Assalamualaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum बच्चों, क्या हाल है आप सबके? Empower Academy के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पास्ट पेपर ऑफ ECAT 2016. बच्चों, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस पेपर में वो ये था कि the astronaut in space comes to know of an explosion on a nearby planet. The astronaut came to know about this explosion because एक एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस के अंदर है, वो अपने करीबी किसी एक प्लेनेट के ऊपर एक धमाका है उसको वो देखता है, उसका उसको पता चलता है. ठीक है, अब उसको उसको पता कैसे चला, आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है. यहाँ पे देखिए, पहला आपका ऑप्शन है कि द एस्ट्रोनॉट सॉ हर्ड एंड फेल्ट द एक्सप्लोजन. दूसरा ऑप्शन है द एस्ट्रोनॉट ओनली सॉ द एक्सप्लोजन. तीसरा ऑप्शन है ओनली हर्ड द एक्सप्लोजन. और चौथा ऑप्शन है बोथ हर्ड एंड सॉ द एक्सप्लोजन. अभी देखिए, हमें पता है जो स्पेस है, स्पेस के अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है. इसका मतलब है उस लाइट की वजह से पैदा होने वाली जो चमक है वो उसको देख तो सकता है. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि स्पेस के अंदर जो वॉइस है, जो आवाज है, वो ट्रेवल नहीं कर सकती. इसका मतलब है उस एक्सप्लोजन की वजह से, उस धमाके की वजह से पैदा होने वाली जो आवाज है वो सुन नहीं सकता. तो यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन के अंदर भी क्या है, हर्ड है, तो उसको हर्ड सोएगा तो नहीं. इस ऑप्शन के अंदर भी हर्ड है, इस ऑप्शन के अंदर भी हर्ड. इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए गलत. जो यहाँ पे एक अकेला ऑप्शन बचा होगी साथ एक्सप्लोजन, तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बीटा, कि उसने जस्ट उस एक्सप्लोजन को क्या किया है, देखा है. क्योंकि वो जो उससे पैदा होने वाली लाइट है, चमक है, वो उसको क्या कर सकता है, देख सकता है. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर टू. बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू में वो हमसे कह रहा है कि अ गेट इज कनेक्टेड इन अ कॉन्फ़िगरेशन शोन इन द फिगर. कि आपके पास एक गेट है, उसको इस फिगर के मुताबिक कॉन्फ़िगर किया गया है, कनेक्ट किया गया है. उसमें द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स इज गिवन बाय. इस वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप आपने बताना है. अभी देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट वाली साइड पे हमारे पास एक्स है, आउटपुट वाली साइड पे हमारे पास वाई है. एक इनपुट है तो हमारे पास एक ही दो केस हो सकते हैं, वन और जीरो का. और जो वाई है उसी के क्रॉस हमें दो केस मिल सकते हैं. अभी देखिए, जब हम यहाँ पे वन देंगे, एक्स क्या होगा, वन होगा, तो इन दोनों टर्मिनल्स पे जो इनपुट जाएगी वो वन जाएगी. हमें पता है जो नेट गेट है उस वन वन को क्या देता है, आउटपुट हमें जीरो. तो इसका मतलब वन के लिए हमें वाई क्या मिलेगा, जीरो. और जब हम यहाँ पे जीरो देंगे तो इन दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट होगी जीरो और नेट उस जीरो जीरो के लिए हमें आउटपुट क्या देता है, वन. तो इसका मतलब वाई हमें क्या मिलेगा, वन. जीरो के लिए हमें वन मिल रहा है, वन के लिए हमें जीरो मिल रहा है. इसका मतलब एक्स क्या है, वाई का नॉट गेट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बन रहे हैं वो बी और सी में देखिए, यहाँ पे लिखा है y बार इज इक्वल टू x और यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू y बार. तो ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी, डी बनेगा डेल्टा बोथ b एंड c. अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को. क्वेश्चन नंबर थ्री में बेटा वो आपसे कह रहा है कि यू हैव 20 कैपेसिटर्स अवेलेबल विद यू ईच ऑफ 15 फैरड. आपके पास 20 कैपेसिटर्स दिए गए हैं, वो हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 15 फैरड. You need a capacitor of around 1 farad in a circuit. आपने एक सर्किट के अंदर around 1 farad का आपने capacitor आपको चाहिए, आपने लगाना है. तो उसके लिए आपको you can achieve this value by connecting. अगर आपने ये value achieve कर लिया तो उसके लिए आपको कितने capacitors लगाना पड़ेंगे series या parallel में, ताकि आपके वो जो capacitor वो कितने का बन जाए, 1 farad का. ठीक है, इसका मतलब है आपके पास एक capacitor पहले है 15 farad का, आपने उसको कम करके लेके आना है 1 farad पे. मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि अगर आपने कैपेसिटेंस को कम करना हो तो कैपेसिटर्स आपको जो दिए जाते हैं उनको आपने सीरीज में कनेक्ट करना है, और अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है. यहाँ पे कैपेसिटर्स है तो हम कैपेसिटर्स को किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में. इसका मतलब ये दोनों पैरेलल वाले ऑप्शन तो खत्म. अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमने कम कर लिया. इसका मतलब ये दो कैपेसिटर्स रह गए, ये दो ऑप्शन है. यहाँ तो हम 20 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे या फिर 15 कैपेसिटर्स को. यहाँ पे देखिए, आपके पास हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 15 फैरड. आपको मैंने एक और तरीका का बताया था, अगर आपके पास कैपेसिटर्स क्या हो, हर कैपेसिटर की सेम हो, तो आप क्या करते हैं उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पे डिवाइड कर देते हैं. इसका मतलब हम 15 बाय अगर 20 करते हैं, यहाँ पे 15 बाय 15 करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, आंसर 1 मिलता है. इसका मतलब हम 15 कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा 4 भी 15 कैपेसिटर्स इन सीरीज. आप 20 कैपेसिटर्स को लगाएंगे तो वो 1 फैरड के इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे वो कह रहा है कि थर्मिस्टर विद अ पॉजिटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट. ये आप अपने याद रखना कि आपके पास जो टेंपरेचर कोएफिशिएंट है वो कौन सा है, पॉजिटिव है. इज यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर इन अ फर्नेस. उसको किसी एक फर्नेस में टेंपरेचर मेजर करने के लिए यूज किया जा रहा है. एज अ फर्नेस
हीट्स अप, जब आप फर्नेस को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ थर्मिस्टर, उस रेजिस्टर की जो वो जो थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। आपने पढ़ा था कि जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अगर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव हो, तो बढ़ने से कम होती है और कम होने से बढ़ती है। यहाँ पे पॉजिटिव है, बढ़ने से बढ़ेगी और कम होने से कम होगी, तो ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बीटा ऑप्शन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों को आपसे कह रहा है कि विच सिंगल गेट इन द फॉलोइंग सिस्टम इक्विवेलेंट टू, आपके पास एक सिस्टम दिया गया है, आपने बताना है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इनमें से किस गेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये नॉर गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, या फिर एक्सॉर गेट है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इनपुट्स हैं, फर्स्ट कर लीजिए हम इसको एक्स इनपुट कह लेते हैं और इसको वाई कह लेते हैं। अब ये दो इनपुट्स हैं, हमें पता है दो इनपुट्स हो तो हमारे पास चार केसेस बन जाते हैं, तो हम इनको चार केसेस यहाँ पे बना लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, इसको हम एक्स कह लेते हैं, इसको हम वाई कह लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका नोड कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एक्स बार और ये हो जाएगा वाई बार। x बार जब हम कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 1100 और y बार बन जाएगा 1010। अब ये दोनों इनपुट्स किसके अंदर जाएंगी, इस NAND गेट के अंदर। हमें पता है जो NAND गेट है वो जब उसको 1-1 इनपुट दी जाती है तो उसके लिए हमेशा आउटपुट क्या देता है, 0। बाकी सारे केसेस के लिए ये आउटपुट क्या देता है, मैक्सिमम देता है। मतलब कि जब आप उसको मैक्सिमम इनपुट्स देंगे तो आपको ये मिनिमम देगा, और जब दूसरे केसेस होंगे तो उसके लिए आपको हमेशा मैक्सिमम आउटपुट की मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो पहला केस है इसमें आप इसको इनपुट जो जा रही है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब इन दोनों के लिए क्या देगा, 0। बाकी सारे केसेस के लिए आपको क्या आउटपुट देगा, 1-1। अभी इसका मतलब है ये देखिए ध्यान से, 0-0 के लिए 0 है, 0-1 के लिए 1 है, 1-0 के लिए 1 है, 1-1 के लिए 1 है। तो ये वाली जो आउटपुट है ये किस सर्किट के इक्विवेलेंट बन रही है, और गेट के। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली और गेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम एक बार पहले भी पास्ट पेपर ईकेट में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ यू इंस्टेड थ्रो इट डाउनवर्ड, अब आप इसको छोड़ा नहीं बल्कि इसको नीचे फेंका है, इट एक्सेलरेट्स इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड अज्यूमिंग नो रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस को क्या करना है, निग्लेक्ट कर देना है, तो आपने उसकी दानिया की आप जैसे उसको थ्रो करेंगे फेंकेंगे तो उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहे उसको नीचे फेंक रहे हो या अपने हाथ से छोड़ रहे हो तो आप इमीडिएटली जैसे वो आपके हाथ से लीव करता है उस टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन है उसका वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, ना वो उससे मोर देन होता है, ना ही लेस देन, ना ही वो डिपेंड करता है कि किस स्पीड के साथ उसको थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इजी सा है, इसमें आपको कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। आपको पता है फोर्स भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपके पास एक बाद ऑप्शन है जो कि स्केलर है, और आपको वैसे भी पता है इस काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv2। मास ऑलरेडी स्केलर है, यहाँ पे बी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो जैसे ही आप वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा क्या हो जाती है, स्केलर हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वो कह रहा है कि अ टाइट वायर इज क्लैंप्ड एट 2 पॉइंट्स 2 मीटर अपार्ट। एक आपके पास वायर है उसको 2 पॉइंट्स पे आपने फिक्स कर दिया है, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का। ठीक है, इट इज प्लग नियर वन एंड, इसको आपने किसी एक पॉइंट पे खींच के छोड़ा है, उसकी वजह से क्या हुआ, विच आर द 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स प्रेजेंट ऑन द वाइब्रेटिंग वायर। ये वायर जो है वो वाइब्रेट करेगी और इस वायर के ऊपर आपने बताना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, आपको पता है कि जो वेवलेंथ है लैम्डा एन, इसका फॉर्मूला होता है 2L/mv। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेंथ कितनी है 2 है, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा इस केस के लिए 4/n। जब आपने लैम्डा 1 कैलकुलेट करना है तो लैम्डा 1 क्या आ जाएगा 4/1 विच इज इक्वल टू 4 मीटर, लैम्डा 2 आ जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2 मीटर, इसी तरह लैम्डा 3 जो है वो आ जाएगा 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33 मीटर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए 4, 2 और 1.33, ये आप
आपका बीटा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बच्चों को आपसे कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म बार एई ऑफ वेट 9 न्यूटन इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल बाय अ वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, ये कोई एक बार थी एई जिसको वर्टिकल फोर्सेस की मदद से क्या किया गया, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। टू एडिशनल फोर्सेस एक्ट एट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। दो फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन की है, एक 2 न्यूटन की है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट डी के ऊपर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन थी वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हुई है। देन क्या कह रहा है कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एंड ई क्या है, आर एट इक्वल इंटरवल्स अलोंग द बार। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। देन क्या कह रहा है कि एट व्हिच पॉइंट मस्ट आवर वर्टिकल फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट टू कीप द बार इन इक्विलिब्रियम। अब आपने 6 न्यूटन की एक और फोर्स लगानी है इनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर जो कि इस बार को क्या कर सके, इक्विलिब्रियम में रख सके। अभी देखिए हमारे पास ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन की है, ये फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन की है। अगर हम इस बार का सेंटर पॉइंट निकालना चाहें तो वो पॉइंट सी बनता है। हमें पता है कि सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वल इंटरवल पे है, तो अगर हम उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको 1 कंसीडर कर लें तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना बनता है, 1 2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बनता है, 1। इसका मतलब इस केस के लिए एल क्या है, 2 है, इस केस के लिए एल क्या है, 1 है। ये जो फोर्स लग रही है 2 न्यूटन है, ये फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन है। इसके लिए जो टॉर्क है वो क्या आ जाएगा, 5 × 2, ये हो जाएगा 10। इसके लिए जो टॉर्क है वो क्या आ जाएगा, 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। और ये दोनों टॉर्क देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये टॉर्क भी क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो कितना बन जाएगा, एड हो जाएगा 5 + 10 + 2 हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर। ये आपके पास आ गया टॉर्क जो कि इन फोर्सेस की वजह से इसके अंदर पैदा हुआ। अब आपने 6 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लेके आना है। अब आप देखिए इनमें से आप किस पॉइंट पे लगाएं, यहां पे अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे वर्टिकल फोर्स तो ये इस फोर्स को क्या करना शुरू कर देगी, सपोर्ट करना शुरू कर देगी। इसका मतलब है अगर हम ये पॉइंट ले लें, क्योंकि इस पॉइंट से यहां 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनेगा। ये पॉइंट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यही पॉइंट रहता है हमारे पास, जिस क्या करेंगे हम 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 न्यूटन मीटर आपके पास आएगा टॉर्क। ठीक है, और जो कि क्या होगा, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करें। ये दोनों टॉर्क क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये दोनों टॉर्क्स क्या करेंगे, फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो ये पॉइंट क्या बनता है, ई पॉइंट बनता है, जिसपे आप 6 न्यूटन की फोर्स लगा के उसके इफेक्ट को कैंसिल करके इस बार को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा बीटा पॉइंट ई। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे वो कह रहा है कि इन अ कंपटीशन फील्डर्स आर रिक्वायर्ड टू थ्रो अ क्रिकेट हार्ड बॉल एज फार एज पॉसिबल। एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें फील्डर्स ने क्या करना है, एक हार्ड बॉल को फेंकना है जहां जितना दूर मुमकिन हो सके। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि जो रेंज होती है वो इक्वल होती है वी आई स्क्वेयर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा के। ठीक है, देन कह रहा है कि अंडर आइडियल कंडीशंस द ऑप्टिमम थ्रोइंग एंगल इज 45 डिग्री। हमें पता है कि जो यहां पे जब थीटा 45 डिग्री होती है तो हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम आती है। देन क्या कह रहा है कि व्हाट शुड दिस एंगल बी। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये क्या होना चाहिए, ठीक है, कि इसकी जो रेंज है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। जब पहला केस आपको कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ थ्रो हो, और दूसरे केस में स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रो हो, कि जिस डायरेक्शन में आपने बॉल को थ्रो करना है, एक केस में क्या कर रही है, हवा उसके अगेंस्ट चल रही है, दूसरे केस में हवा उसके सपोर्टेबली उसी डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पे देखिए जो हमारी रेंज है वो डिपेंड किस पे कर रही है, थीटा पे। तो यहाँ पे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि जो हवा है वो किस उसके सपोर्ट करने के लिए चल रही है या फिर उसके अगेंस्ट चल रही है। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास अगर कोई और एंगल हो, हम थीटा के 45 के अलावा कोई और एंगल ले लेते हैं, बोलते हैं 45 देंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, वो हवा चल रही होगी। तो इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आपके पास रेंज आए, तो अगर आपके पास वो जो हवा चल रही है उस केस में भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री इन बोथ केसेस। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे वो कह रहा है कि 3 सिमिलर लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सप्लाई एज शोन इन द फिगर। कि यहां पे आपके पास एक डीसी सप्लाई दी हुई है और ये क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज की है।
इसके साथ तीन लाइट बल्ब्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, देन क्या कह रहा है कि ईच बल्ब ऑपरेट्स एट नॉर्मल ब्राइटनेस, और हर बल्ब एक नॉर्मल ब्राइटनेस के ऊपर काम कर रहा है। एंड देन कह रहा है कि एंड एन एमीटर ऑफ नेगलिजिबल रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर स्टेडी करंट। यहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर क्या करता है कि यहां से जो फ्लो होने वाला करंट है उसको एज अ स्टेडी करंट आपको मेजर करके बता रहा है कि कितना है उसका रजिस्टर कर रहा है। देन कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द बल्ब्स ब्रेक्स। अब इन तीनों में से किसी एक बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब एक बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, खराब हो गया। व्हाट हैपेंस टू द एमिटर रीडिंग एंड द ब्राइटनेस ऑफ द रिमेनिंग बल्ब्स। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन बल्ब्स लगे हुए, तीनों के तीनों क्या है पैरेलल में है, इसका मतलब है चाहे ये बल्ब खराब हो जाए, चाहे ये बल्ब खराब हो जाए, चाहे ये बल्ब खराब हो जाए, बाकी दोनों के दोनों जो आपके बल्ब्स हैं वो क्या करते रहेंगे, ऑपरेट करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों का सर्किट कंप्लीट रहेगा इस डीसी वोल्टेज के साथ। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है उसको कौन सी चीज कंज्यूम कर रही है, तीनों बल्ब, इसका मतलब ये तीनों बल्ब जो है एज अ लोड ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक बल्ब क्या हुआ है, खराब हुआ है, तो इसका मतलब लोड क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब ये जो सर्किट है जो करंट ड्रॉ कर रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस एमीटर के अंदर से गुजरने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वैसे भी ये क्या है, तीनों बल्ब पैरेलल में है, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये जो एमीटर की रीडिंग है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो बाकी जो बच जाने वाले बल्ब होंगे उनकी जो ब्राइटनेस है वो सेम रहेगी, उनके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ये आपने वो जो पैरेलल सर्किट है उसके लिए ये आपने बात याद रखनी है कि अगर कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी जो एमीटर की रीडिंग है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। अगर आप एक बल्ब बढ़ा देंगे तो एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, लेकिन जो ब्राइटनेस और बल्ब है वो रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। यहाँ पे जगह कम थी तो इस वजह से मैंने ऑप्शन दो ही लिखे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस एंड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बच्चों को कह रहा है कि टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v आर इन्वॉल्वड इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलाइजन एज शोन इन द फिगर। आपके पास दो मैसेज हैं, दोनों का मास क्या है m है और वेलोसिटी क्या है v है, दोनों क्या किए है, दोनों के बीच में इनइलास्टिक कोलाइजन हुई। इनइलास्टिक कोलाइजन एक ऐसी कोलाइजन होती है जिसके अंदर ke जो है वो कंजर्व नहीं रहती और टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, उसके अंदर कोई ना कोई लॉस जरूर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास जो कोलाइजन दी गई है वो इनइलास्टिक कोलाइजन है, ठीक है। देन कह रहा है कि द परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलाइजन, आपने बताना है कि इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस कितना आएगा इस कोलाइजन के बाद। अभी देखिए ये जो दोनों मैसेज हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम तो सेम है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब इन दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या होगी, 1/2 mv², ये बी जब क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि इन दोनों की वजह से जो कोलाइजन हुई है, कोलाइजन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज लॉस आया वो कितना है 100%, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा व्हिच इज 100%, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि एन एम्बुलेंस मूव्स अराउंड अ लार्ज राउंडअबाउट विद इट्स साइरन ऑन। फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द राउंडअबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्बुलेंस साइरन हर्ड विल बी। कि एक आपके पास फर्ज कर दीजिए ये राउंड अबाउट है, इसके एक सेंटर पे एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस है जो कि क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, और उसका सायरन ऑन है। अब जो यहाँ पे बंदा खड़ा है उसका जो जो सायरन जो सुन रहा है, ठीक है, उसकी जो सायरन की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास में पता है जो एक आपके पास सर्कल नुमाई शेप बन रही राउंड अबाउट जो बन रहा है, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से क्या होता है, हमेशा सेम होता है, जो कि इसके रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब है ये जो एम्बुलेंस है वो ना तो उस बंदे से दूर जा रही है ना उसके करीब आ रही है, और ये बंदा भी ना तो उस एम्बुलेंस को सोर्स से दूर जा रहा है। इस बंदे को अगर हम ऑब्जर्वर कह लें तो ये ऑब्जर्वर ना तो सोर्स से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, ना ही उसके करीब जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी
वो अपनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ही वो सुनेगा। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो अल्फा बनेगा इक्वल टू द एक्चुअल सायरन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टू सैटेलाइट्स आर टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। आपने सरफेस ऑफ अर्थ से दो सैटेलाइट्स को क्या करना है, स्पेस के अंदर लॉन्च करना है। सैटेलाइट 1 हैज अ मास ऑफ 10 केजी एंड वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब। आपको सैटेलाइट 1 का मास और वॉल्यूम गिवन है, देन क्या कह रहा है कि व्हाइल सैटेलाइट 2 हैज मास ऑफ 5 केजी एंड वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है हमें दोनों सैटेलाइट्स का मास और दोनों का वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, देन क्या कह रहा है कि अज्यूम द रिक्वायर्ड स्केप वेलोसिटीज ऑफ सैटेलाइट 1 एंड सैटेलाइट 2 आर v1 एंड v2। दोनों की स्केप वेलोसिटीज भी हमें दी हुई है, v1 पहले की स्केप वेलोसिटी और v2 दूसरे की स्केप वेलोसिटी है। अभी हमने क्या बताया है, द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, कि v1 और v2 के बीच रिलेशन क्या है। पहला ऑप्शन है रिलेशन डिपेंड्स ऑन द लॉन्च, दूसरा ऑप्शन है v1 इज इक्वल टू v2, तीसरा ऑप्शन है v1 ग्रेटर देन होगा v2 के, और चौथा ऑप्शन है v1 लेस देन v2। अभी देखिए आपको पता है जो v स्केप है वो इक्वल होती है 2gr अंडर रूट। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों के लिए क्या होगा, दोनों सैटेलाइट्स के लिए सेम होगा। एंड देन r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि आपने सैटेलाइट को सरफेस ऑफ अर्थ से क्या करना है, लॉन्च करना है, तो आप रेडियस ऑफ अर्थ को देखेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है, दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब ये जो v स्केप आएगी वो दोनों के लिए v1 के लिए भी और v2 के लिए भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब v1 क्या है, v2 के इक्वल है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बीटा v1 = v2। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ मास ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1 इज मिक्स्ड विद एन इक्वल मास ऑफ अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3। आपके पास दो लिक्विड्स दिए गए हैं, दोनों का मास क्या है, सेम है। इसका मतलब m1 इक्वल है m2 के, और जो m1 है इसकी डेंसिटी आपके पास 1 है, m2 की डेंसिटी 3 है। अभी क्या कह रहा है कि दोनों को मिक्स किया गया और इनके मिक्स करने से जो मिक्सचर बना है उसके बारे में पूछ रहा है कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज। उस लिक्विड मिक्सचर की आपने डेंसिटी बतानी है कितनी होगी। एक बात याद रखिएगा कि जब आपके पास दो लिक्विड्स दिए गए हो, दोनों का मास सेम हो और उनकी डेंसिटीज डिफरेंट हो, तो आपके पास जो उनकी मिक्स करने से जो नया मिक्सचर बनता है उसकी जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू d1 d2 डिवाइडेड बाय d1 + d2। यहां पे हमारे पास d1 कितना है, 1 है, 2 × 1, d2 हमारे पास 3 है। इसी तरह d1 है हमारे पास 1 + 3, ये हो जाएगा 6/4 विच इज 3/2। तो यहाँ पे 3/2 रो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4 ही रो, उसको डेंसिटी को जाहिर करने के लिए यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, 3/2 रो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 πl/g। हमें पता है टाइम पीरियड है जो सिंपल पेंडुलम है उसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 πl/g अंडर रूट, वही आपको यहां पे गिवन है। देन क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर नाउ टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। आपके पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹ मीटर, ये 10⁻², ये वाला 1 + 1, तो −2 + 1 − 1 रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, लेंथ आ गई, और एक्यूरेसी आपके पास लीस्ट काउंट कितना है उस डिवाइस का, 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट आ गया 1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, देन क्या कह रहा है कि एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी दी है, 100 इज ऑब्जर्व टू बी 100 सेकेंड। आपके पास टोटल टाइम 100 सेकेंड है और आपके पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, 100 है। आप 100 को 100 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 100/100 विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
ठीक है, ये आपका क्या आ गया टाइम पीरियड। देन क्या कह रहा है कि ट्रैक टू द नियरेस्ट सेकंड, इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है जिस डिवाइस के साथ मेजर किया गया है, 1 सेकंड है। इसका मतलब अगर आप इसके अंदर मौजूद अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपके पास 100 है और आप कितने क्या कैलकुलेट करना है यहां से, द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी इज, यहां से देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, जी आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। इसका मतलब है हमने क्या करना है इस टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्यों, क्योंकि एल और टी क्या है ये दो फिजिकल क्वांटिटीज है और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या कर देंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 1%। इसी तरह हम लेंथ की ये भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 × 10⁻³ को हम डिवाइड करेंगे 1 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई बाय 100। ये माइनस वन ऊपर जाकर प्लस वन हो जाएगा, 10⁻²⁻² हो जाएगी, 10⁻²⁻² 100 से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा आंसर 1%। ठीक है, दोनों आपके लिए फिजिकल क्वांटिटीज की क्या कर ली, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर ली। अब इन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमें क्या करना है ऐड करना है, लेंथ के लिए कितनी है आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1%। इसी तरह यहां भी देखिए टी स्क्वायर है तो इसका मतलब टाइम पीरियड के लिए पावर फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा, तो आप क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 1% प्लस 2% व्हिच इज इक्वल टू 3%। इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली 3%। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा अल्फा अप्रोक्सीमेटली 3%। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टर इज 2%। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में जब रेजिस्टर की वैल्यू मेजर की जा रही थी उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है 2%, और ये किसके लिए है रेजिस्टर के लिए। ठीक है, फर्दर मोर द अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम रेजिस्टर इज 1%। आपका पोटेंशियल डिफरेंस बी होता है, बी के अक्रॉस कितनी है 1% है। Then, कह रहा है कि the uncertainty in the power loss in the resistor is, आपको पता है जो पावर है वो इक्वल होती है वी आई के। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल तो गिवन है लेकिन करंट गिवन नहीं है, हमारे पास एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, यहां से आई जो है वो इक्वल आ जाएगा वी बाय आर, यहां से हम वी इंटू वी बाय आर पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और ये दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, इसी वजह से हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज के ऊपर देखा जाए तो क्या है पावर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा इसका जो पावर फैक्टर वाला जो रूल है वो भी अप्लाई होगा। वोल्टेज के अक्रॉस कितनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1%, 1% को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, प्लस रेजिस्टर में कितनी है 2%, तो ये आपके पास टोटल मिला के हो जाएगी 2% प्लस 2% व्हिच इज इक्वल टू 4%। तो यहां पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा बनता है, चार्ली ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 4%। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद रेफरेंस टू द फिगर P1 द टॉय कार टेक्स अ टोटल टाइम ऑफ T0 एंड अ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ T0 व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द पाथ ABCD। मतलब एक टॉय कार है जो कि इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लेकिन उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट कर रही है, मतलब अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ही वो मूव कर रही है, उसकी मोशन कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब वो पाथ ए से बी, बी से फिर सी, सी से बी तक अपना कवर करती है। देन क्या कह रहा है कि द टोटल टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन बाय, आपने इसको टोटल टाइम और डिस्प्लेसमेंट निकाला। अभी जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए, उसने पहले क्या है कि अपनी मेन पोजीशन से वो बी पे गई है, बी से सी पे, सी से अगेन बी पे चली गई, मतलब मेन पोजीशन से अब वो कहां पे है बी पे है। इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा इस रेडियस के इक्वल, रेडियस हमारे पास कितना है 10 मीटर, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। उसी तरह आपके पास जो टोटल टाइम है वो यहां से लेके यहां तक
वो टोटल टाइम आपके पास होगा 2 पाई प्लस 1। तो इसके लिए आपके जो पास ऑप्शन है वो बन जाएगा अल्फा टी इज इक्वल टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 1 सेकंड एंड टी नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विद रेफरेंस टू द फिगर B1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी फॉर द कंप्लीट पाथ एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज ट्रू। ये वही फिगर है जो कि पिछले एमसीक्यू में भी थी, मैंने आपको ये बता दिया था। अभी देखिए यहां पे हमें क्या कह रहा है कि इस पूरे पाथ की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको आपने रिलेट करना है उस वेलोसिटी के साथ जो कि इस एक्सट्रीम पोजीशन सी के ऊपर उसकी होगी। और कौन सी वेलोसिटी होगी यहां पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट होता है आपको पता है उस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी क्या होती है? सिफर। और आपकी जो मीन पॉइंट है इसके ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पे सिफर और मीन पे मैक्सिमम। इसका मतलब है ये जो आपके पास पॉइंट सी है इस पे अगर हम वैसे वेलोसिटी देखें वो सिफर होगी, लेकिन जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो उससे एक पॉइंट पहले वाला होगा कि आपकी वो मैक्सिमम पोजीशन तक होगी। ठीक है, मतलब वो पोजीशन है जिसमें वो सिफर नहीं हुई होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? उस पॉइंट सी के ऊपर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये एक्सट्रीम पॉइंट पे उसकी एवरेज वेलोसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सी इज ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी फॉर द कंप्लीट पाथ। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डेल्टा। तो अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ स्फीयर ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 2 बी मूविंग इन x डायरेक्शन। ठीक है, एक आपके पास स्फीयर दिया गया है उसका मास m है और वेलोसिटी 2b है। ठीक है, अगर हम इस पूरे के पूरे स्फीयर का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे p1 को आ जाएगा 2mv। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि कोलाइड्स विद अ स्फीयर ऑफ मास 2m एंड वेलोसिटी v किसी दूसरे स्फीयर के साथ जिसका मास कितना है 2m है और वेलोसिटी v है उसके साथ टकराता है तो इसका जो मोमेंटम है वो p2 आ जाएगा, वो भी कितना होगा 2mv। ठीक है, इफ द प्लेयर इज परफेक्टली इलास्टिक, अभी इन दोनों के बीच जो प्लेयर हुई है वो कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आपको पता है जो इलास्टिक प्लेयर होती है उस इलास्टिक प्लेयर के अंदर क्या होता है? के जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले की अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 1/2, पहले का मास m है, वेलोसिटी कितनी है 2v है, तो 2v का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 4v स्क्वायर हो जाएगी और ये इक्वल आ जाएगी 2mv स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जब दूसरा मास उसकी हम स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो बनेगी 2mv स्क्वायर, तो ये बन जाएगी mv स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले जो स्फीयर है पहले स्फीयर का मोमेंटम 2mv बन रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन रही है 2mv स्क्वायर। ठीक है, और जो पहला दूसरा स्फीयर है उसका मोमेंटम आ रहा है 2mv और उसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है mv स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों क्या है? एक जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूविंग इन x डायरेक्शन, और जो दूसरा है वो मूव कर रहा है y डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शंस क्या है? डिफरेंट है। अभी देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बन सकता है? द टू स्फीयर्स स्टिक टुगेदर आफ्टर इंपैक्ट। अब दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है, जाहिर सी बात है जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ तो नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन रह गए, टोटल के ई बिफोर द इंपैक्ट इज 3mv स्क्वायर, इन दोनों का हम ऐड करेंगे 2mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर तो ये कितना बन जाएगा 3mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो इतनी बन सकती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को जब ऐड किया जाता है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सेम वही मिलती है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कह रहा है कि मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट इज 4mv। अभी देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। आपको पता है जब दो वेक्टर उनकी डिफरेंट डायरेक्शन हो आप उनको जब ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा उनके न्यूमेरिक सम से सबसे क्या होता है? लेस होता है वेक्टर सम। ठीक है, ऐसे ही है कि आपके पास जो वेक्टर सम है वो हमेशा न्यूमेरिक सम से लेस होगा। इसका मतलब है इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो 2mv प्लस 2mv जब उनको दोनों वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा वो 4mv से क्या होगा? लेस होगा। लेकिन यहां पे हमें कह रहा है कि मोमेंटम कितना होगा बिफोर इंपैक्ट 4mv, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये बोथ बी एंड सी कह रहे हैं तो ये भी करेक्ट है।
नहीं होगा तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा बीटा द टोटल के ई बिफोर इंपैक्ट इज 3 MV स्क्वायर। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज आर सुपरइंपोज्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव इन व्हिच एडजेसेंट नोड्स आर 2 मीटर अपार्ट। इसका मतलब आपके पास जो आपके एडजेसेंट नोड्स हैं उनके बीच जो लेंथ है वो कितनी गिवन है 2 मीटर और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 250 हर्ट्ज की। देन क्या कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। आपने प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू वी ओवर 2 एल। यहां से अगर हम वी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वी इक्वल आ जाएगा 2 FL। एफ आपके पास है 250, एल आपके पास है 2, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डेल्टा विच इज 1000 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे वो कह रहा है कि द लाइंस ऑफ अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हैव अ स्पेसिंग ऑफ 1.2 माइक्रोमीटर। आपके पास एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग दी गई है, उस डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के बीच जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी है 1.2 मीटर माइक्रोमीटर। ठीक है, डी है आपके पास 1.2 माइक्रोमीटर व्हिच इज 1.2 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, देन कह रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम जब उसके ऊपर नॉर्मली आके इंसिडेंट होती है तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब एन क्या आ जाएगा 1 मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री विद द नॉर्मल टू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। आपको पता है जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसका फॉर्मूला होता है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n आपके पास 1 है, d आपके पास कितना है 1.2 × 10⁻⁶ 1.2 × 10⁻⁶ sin 30 डिग्री और ये इक्वल आ जाएगा n 1 पुट करेंगे तो लैम्डा में। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय sin 30 कितना होता है 1/2 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6 × 10⁻⁶ और जब आप 6 को 600 बनाएंगे तो 10 की पावर हो जाएगी -9 तो ये हो जाएगा 600 नैनो मीटर। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा 4 विच इज 600 नैनोमीटर। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में वो आपसे कह रहा है कि व्हाइट लाइट इज डायरेक्टेड एट अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एट एन एंगल नॉर्मल टू द ग्रेटिंग। ग्रेटिंग के नॉर्मल एंगल के ऊपर उसको क्या किया गया, डायरेक्ट किया गया है स्टार्टिंग एट अ नॉर्मल टू द ग्रेटिंग, मतलब 0 डिग्री से आपने स्टार्ट करना है। The order of red, green and blue light in the directed spectrum is, आपने वो जो directed एक spectrum बनेगा उसके अंदर आपने बताना है कि कौन सी lights red, green, blue में से पहले होगी, कौन से दूसरे नंबर पे, कौन सी तीसरे नंबर पे। Red, green, blue के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ कि जो blue light होती है इसकी wavelength सबसे short होती है इन तीनों में से, जो green है इसकी wavelength medium होती है और जो red है इसकी wavelength क्या होती है large होती है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, जब आपके पास थीटा से आप 0 से स्टार्ट करने जाएंगे तो इसका मतलब जब आपके पास लैम्डा यहां से आपको मिलना शुरू होगा वो क्या होगा सबसे कम वेवलेंथ वाला मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्टेड स्पेक्ट्रम है इसका मतलब उसमें सबसे पहले कौन सी लाइट आएगी, ब्लू लाइट आएगी, उसके बाद ग्रीन लाइट आएगी, देन क्या आएगी रेड लाइट आएगी। ठीक है, तो आपके पास जो ऑर्डर बन जाएगा वो बनेगा ब्लू ग्रीन एंड रेड, तो ये रेड ग्रीन ब्लू नहीं होगा, ये भी नहीं, ये ब्लू ग्रीन एंड रेड आपके पास डेल्टा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे वो कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 1, आपके पास एक वेवलेंथ दी गई है मोनोक्रोमेटिक लाइट की वो है 1 इन वैक्यूम इज इंसिडेंट, इंसिडेंट है इसका हम लैम्डा आई कह देते हैं। ठीक है, ऑन अ सरफेस ऑफ ग्लास एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, आपके पास थीटा दिया गया है 1 डिग्री। देन क्या कह रहा है कि assuming the refractive index of glass is 1.5, आप glass का जो refractive index है n है उसको आप assume कर ले वो कितना है 1.5 है। ठीक है,
देन आपने क्या कैलकुलेट करना था, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन ग्लासेस, आपने लैम्डा ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका, रिफ्रैक्टेड रे का, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है कि एक फॉर्मूला है n बराबर होता है इज इक्वल टू सी ओवर वी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब ये जो c है हमें पता है ये इक्वल होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के होगा, ठीक है, और ये है f बार लैम्डा बार, ठीक है। अब हमें पता है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम होगी, ये कट जाएगी, n इक्वल आ जाएगा लैम्डा ओवर लैम्डा बार, लैम्डा को हम लैम्डा इंसिडेंट कह लेते हैं, अगर लैम्डा बार का जगह लैम्डा आर के, ठीक है, रिफ्रैक्टेड के। अब हमें पता है लैम्डा आर हमने कैलकुलेट करना, तो लैम्डा आर जो है वो इक्वल हो जाएगा लैम्डा आई ओवर एन के। लैम्डा आई हमारे पास कितना है यहाँ पे, हमें पता है 1 है और एन हमारे पास इवन है 1.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अल्फा 1 ओवर 1.5। अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में वो आपसे कह रहा है कि ऑन अ हॉट समर डे टेंपरेचर इज मेजर्ड इन अ बिग हॉल अ फ्यू मिनट्स आफ्टर टर्निंग ऑन द एयर कंडीशनर। एक बड़ा सा हॉल था, गर्मियों के दिन है, उसके अंदर एक एयर कंडीशनर है, उसको ऑन किया गया था और उसको ऑन करने के थोड़ी देर बाद टेंपरेचर मेजर किया गया उस हॉल का, ठीक है। अज्यूमिंग द टेंपरेचर क्लोज टू द फ्लोर इज T1, जो उसके आपके नीचे जो जगह फ्लोर है उस फ्लोर के इर्द गिर्द जो टेम्परेचर था वो जब मेजर किया गया वो T1 आया, एंड टेम्परेचर क्लोज टू द सीलिंग इज T2, और जो छत के करीब टेम्परेचर था वो T2 आया, ठीक है। देन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको पता है जो आपके पास नीचे का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो ऊपर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है T1 जो है वो T2 से क्या होगा, लेस होगा, लेकिन किस लॉ के अकॉर्डिंगली। आपको पता है बॉयल्स लॉ ये प्रेशर का रिलेशन बताता है, ठीक है, लेकिन जो चार्ल्स का लॉ है वो टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो T1 है वो लेस देन होगा T2 के, और जो आपके पास रिलेशन बनेगा वो किसके अकॉर्डिंगली बनेगा, चार्ल्स लॉ के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बीटा। देन क्वेश्चन नंबर 26 में आपको वो कह रहा है कि कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पीयर, आपके पास करंट क्या है कांस्टेंट है, कितना है 1 एम्पीयर, फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड्स, कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, 5 सेकंड्स के लिए, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट ओवर दिस ड्यूरेशन इज, इस टाइम के दौरान जो चार्ज फ्लो हुआ वो आपने बताना है। आपको पता है जो क्यू है वो इक्वल होता है आई टी के, आपके पास आई 1 है, टी आपके पास 5 है, तो ये बन जाएगा 5 कूलम्स। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा अल्फा विच इज 5 कूलम्स। तो आई होप सो बच्चों आपको ये जो हमने 26 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं ईकैट 2016 के, इनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन रह गई है बाकी, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे लाजमी पूछिएगा, और इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे का भी भला हो सके। हमें भी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।